ऐसा लग रहा है जैसे चंबल में आ गया हूँ। ये नन्ना पहलवान, छोटा राइडर, ये क्या उठा रहा है? डंबल। 5 minutes later। तो आज का सीन ये है कि आज हम जा रहे हैं रुदावल वाले हनुमान जी पे। तो आज है मंगलवार, तो आज आपको कराते हैं मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन। तो मैं तो बहुत जल्दी निकल जाता था, पर वाइफ तैयार नहीं हुई है, अभी आधे घंटा और लगा लेगी। तो बच्चे चले गए स्कूल, तो मैं सोच रहा हूँ आज की छुट्टी करके रुदावल हनुमान जी और बंद वाराइट आपको दिखाऊँ। तो मिलते हैं सीधे बाइक पे और राइट पे, अभी बच रहे हैं 8:30। तो अपना प्रोग्राम देखते हैं कितने बजे तक निकलते हैं, कितने बजे तक मैं तो तैयार खड़ा हूँ, देखते हैं बाइक कितने बजे तक तैयार हो जाती है। तो थोड़ा बहुत इनको भी घुमाना चाहिए, तो मिलते हैं सीधे बाइक पे। तो हम तो 8 बजे से तैयार होकर बैठे हैं और अभी तक हमारी श्रीमती जी तैयार नहीं हुई है। 9:30-10 बजा लिया है, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं रुदावल हनुमान जी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो अभी हम आ चुके हैं सरसों अनुसंधान केंद्र, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड ख़राब थी हीरादास से और सरसों अनुसंधान केंद्र तक। तो ये जा रहा है मथुरा जयपुर हाईवे बाईपास, और ये अपना भरतपुर का सरसों अनुसंधान केंद्र। तो हम निकलेंगे उज्जैन होके कुरका होके रुदावल। तो सीवर से निकलते ही हाईवे आ जाता है जयपुर आगरा हाईवे, तो हमें चलना थोड़ी दूर जयपुर वाले रास्ते पे। ये देखिए कितने ट्रक निकल रहे हैं हाईवे पे, और मैं थोड़ी देर रोक लेता हूँ। तो इधर हमको मुड़ना है लेफ्ट हैंड पे, तो ये रास्ता जाता है ब्याना के लिए सीधा, और हम उज्जैन से कुरका होके जाएंगे रुदावल। तो बहुत दिन बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, उज्जैन निकल चुका है, और उज्जैन के बाद सड़क बहुत अच्छी हो गई है। पहले यहाँ गड्ढे गड्ढे थे, बहुत बुरे गड्ढे, अब देखो क्या नई सड़क बनी है, तो क्या मज़ा आ रहा चलाने में। और 60 से ज़्यादा नहीं चला रहा हूँ बिल्कुल, क्यों बाइक बैठी पीछे तो कंट्रोल रखती है मेरी स्पीड का, धीमे चलाओ, नहीं तो इस रोड पे 80-100 चल रही होती गाड़ी अपनी। तो इसके साथ तो मैं कम ही चलाता हूँ, 60 से ऊपर नहीं जा रही, 60-70 तक गई थी लास्ट, फिर उसके बाद नहीं चला रहा मैं। कैसी लग रही है लोकेशन? ऐसा लग रहा है जैसे चंबल में आ गए हूँ। तो बाजरा ही बाजरा चल रहा है खेतों में, गांव का वातावरण, शुद्ध वातावरण। ये ढेंचा है, ढेंचा है, ये ढेंचा के पेड़ लग रहे हैं। तो हम आ गए रुदावल आ गए, और हमको मुड़ना है इधर की साइड में राइट हैंड पे, मेरे हिसाब से मैं आया हूँ पहले। तो कस्बा टाइप में रुदावल, और हम चलेंगे हनुमान जी के मंदिर, रुदावल वाले हनुमान जी के आपको दर्शन कराते हैं। एक हमारे मित्र हैं, उसकी दुकान भी है पवन की यहाँ पर हम लेट हो रहे हैं थोड़े, उसके बाद में जाएंगे पवन की दुकान पे। तो ये रुदावल का बाजार। भाई जी हनुमान जी मंदिर किधर है? अच्छा हाँ, ठीक, ये भी मैं कह रहा हनुमान जी मंदिर किधर रह गया। आ तो रहे हैं मंदिर में, थे हनुमान जी मंदिर को, श्री हनुमान जी मंदिर ये रहा ना रुदावल। जाओ हनुमान जी महाराज, तो ये रास्ता जा रहा है हनुमान जी के मंदिर के लिए। बड़े परेशान हो गए,
इतना गड्ढे गड्ढे कहीं नहीं मिले। अब जो रास्ते में रुदावल वाले में और हनुमान जी वाले मिले ना, ये रास्ते इन्होंने गड्ढे लगा दिए हमारे दर्शन कर कर के आ रहे हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं है, सुबह सुबह भीड़ थी जो ख़त्म हो गई। अब बहुत कम लोग रह गए होंगे, जो बाहर के हैं वही रह गए होंगे, जो यहाँ के लोकल हैं वो तो करके होंगे हनुमान जी दर्शन। अरे उधर ले जा रहे हैं ना, बस तो पार्किंग नहीं है, अंदर पार्किंग। अरे अरे अंदर रुक जा, पार्किंग वाले और खून पी चले। मंदिर पे यही बता ले जूता चप्पल ने ऊपर ही लगा दो। चल तो चल, तो यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और हेलमेट रख दिया, प्रसाद ले लिया और चलते हैं रुदावल वाले हनुमान जी दर्शन करने। तो ये धर्मशाला बनी हुई है यहाँ पे आसपास, और यहाँ पे अभी कनागत की वजह से भीड़ कम है, नहीं तो बहुत रहती है। ओ हनुमान जी महाराज, ओहो आ गया। बहुत लंबा चौड़ा फील्ड है जी, एक इधर से रास्ता है। जाओ हनुमान जी महाराज। तो आई होप आपको अच्छे से दर्शन हो गए होंगे हनुमान जी के। बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाया मैंने, चोरी छुपे बनाने नहीं देते, मोबाइल छुड़ा लेते हैं। तो ये रास्ता जाता है, ये जा रहा है बड़ौदा होके भरतपुर, और एक रास्ता जाएगा अपन जाएंगे अब बंदवराठा। तो अगले ब्लॉग में आप देखना बंद बैठा। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, जय हनुमान। बहुत लंबा चौड़ा डैम है और बरसात में पानी भी अच्छा है, पिकनिक स्पॉट के रूप में काम आता है। यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है और अभी तनागर चल रहे हैं तो इस वजह से भीड़ कम है।